ट्यूटोरियल आप लोगों के लिए बनाऊंगा, ताकि आप में से, मतलब मैं तो बस यही चाहता हूँ कि आप में से सारे लोगों की जो फोटोज है वो बहुत ही ज़्यादा तगड़ा है, बल्कि मेरे से भी तगड़ा है। मेरा इंस्टाग्राम देख के आप लोग में से बहुत सारे लोग मुझे वहाँ पे प्यार सपोर्ट तो दे ही रहे हो, बट उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा क्वेश्चन और मैसेज भी करते हो कि भैया मतलब हमें भी आपके जैसे फोटोज क्लिक करने, हमें भी हर फोटो में अच्छा दिखना है, तगड़ा दिखना है। देखो ब्रो, बात ऐसे नहीं कि मतलब मैं ये सारी चीज़ें फटाक से सीख गया, तो इसके लिए मैंने बहुत ज़्यादा फोटो शूट किए, प्रिंट शूट भी किया, ऑनलाइन क्लोथिंग के लिए भी शूट किया और ऐसे भी बहुत सारे शूट्स किए। तो इसी के बेसिस पे ना मेरे ख्याल से ये पांच चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए, जिसको आप लोग जान के सही में बहुत ही ज्यादा स्टाइलिश और हैंडसम दिखोगे हर एक फोटो में। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, बिकॉज बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है और बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है। तो चलो यार स्टार्ट कर दे। टिप नंबर वन, कोई एक ऐसी चीज़ कैरी करो जो आप लोगों का स्टाइल गेम लेवल अप कर देगी। अब देखो ब्रो, इसका मतलब क्या होता है, अगर आप में से बहुत सारे लोग हो गए, या फिर मतलब मैं भी यही गलती करता था, अगर फोटोशूट करने जा रहे हैं ना तो प्लस बैग में कपड़े ठूसो और निकल जाओ, तो ब्रो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। तो आप लोग कोई एक यूनिक चीज़ अपने साथ कैरी कर सकते हो, जैसे कि मतलब कैप्स हो गया, मास्क हो गया, जो शर्ट के ऊपर स्ट्रिप्स लगाते ना वो हो गया, या फिर टाई हो गई। अब देखो ब्रो, वैसे तो ऑप्शन बहुत सारे, शूज़ हो गया, शूज़ ब्रो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और उसके साथ साथ आप लोग ग्लासेस कैरी कर सकते हो, अलग अलग कलर वाले ग्लासेस। मैं सिंपल वाले नहीं बोल रहा हूँ, पर कलर वाले आप लोग यूज़ करोगे तो वो बहुत ज़्यादा मतलब अट्रैक्टिव दिखता है फोटोज़ में। नंबर टू जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कॉन्फिडेंस। अब देखो ब्रो, आप लोग कितने भी ज़्यादा हैंडसम दिख रहे हो, अच्छे दिख रहे हो, बट अगर आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, मतलब बहुत सारे लोगों के साथ होता है क्या, वो ऐसे फेस टू फेस तो मतलब बहुत सारी बातें कर लेते हैं, बट यार वो जैसी कैमरा के सामने आते हैं ना तो यार थोड़ी सी तो फटी जाती है। अब देखो रो, मतलब ये नर्वसनेस ना मतलब हो जाती है, इसमें मतलब ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, और ये मेरे साथ भी होता था, अभी भी मतलब कभी कभी हो जाता है ऐसा, तो उसमें कोई मतलब ऐसा टेंशन वाली बात नहीं है। बट देखो ब्रो, इसका मतलब है ना फोटोशूट के टाइम पे मतलब इसमें मतलब आप लोग को थोड़ी दिक्कत हो सकती है, बट यार ये देखो दो चीज़ों के वजह से हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो पोज का पता नहीं होना, मतलब यार कैमरा के सामने आए तो है, बट यार क्या करना है, पोज क्या देना है, वो ही पता नहीं है, तो बट ऑब्वियस यार नर्वसनेस तो बढ़ने ही वाली है। जो यार सेकेंड चीज़ है वो है क्लोथ्स का मतलब लूज होना, या फिर मतलब बहुत ही अनफिट सा क्लोथ्स पहनना, या फिर अनकंफर्टेबल से क्लोथ्स पहनना। आप लोग ऐसे सारे मतलब ये ना जो क्लोथ्स है ना, लूज जीन्स, लूज शर्ट, ये थोड़ा हम लोग को ना थोड़ा कंफर्ट में लेके जाते हैं, थोड़ा सा मतलब रिलैक्स मोड में लेके जाते हैं, बट अगर आप लोग फोटोशूट के टाइम पे ऐसे सब पहनोगे ना तो आप लोग की जो पर्सनैलिटी है ना वो बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसे इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं दिखोगे आप लोग। तो हमेशा ये बात याद रखना, जब भी फोटोशूट करने जाओगे तो एटलीस्ट मतलब हमारे जो क्लोथ्स है वो प्रॉपर फिटेड रहे, जो हमारी जीन्स है वो एटलीस्ट अल्टर रहे, नैरो रहे। जो नंबर थ्री की जो टिप है वो है हमारी लाइट्स। अब देखो ब्रो, आप में से बहुत सारे लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन तो आया होगा कि मतलब चलो भाई ने बता तो दिया कि मतलब फोटोशूट वगैरह करना है, बट यार कौन से टाइम में करना है, डे में करना है, नाइट में करना है। तो देखो ब्रो, एक बात हमेशा याद रखो, अगर आप लोग आउटडोर शूट करें, आउटडोर मतलब स्टूडियो से बाहर आप लोग कहीं पे भी मतलब शूट कर सकते हो, तो उसको आउटडोर शूट कहते हैं। तो अगर आप लोग आउटडोर शूट कर रहे हो ना, तो आप लोग हमेशा मतलब 10 मॉर्निंग के 10 से लेके 11 के बीच में आप लोग शूट करने जा सकते हो, बिकॉज तभी मतलब सनलाइट होती है वो प्रॉपर होती है। अगर आप लोग 12 और 1 बजे के बाद जाओगे, दोपहर में 12 1 बजे के बाद जाओगे ना, तो मतलब आप लोगों को मतलब सनलाइट तो बहुत ज़्यादा मिल जाएगी, बट उसके साथ साथ आप लोगों को वहाँ पे स्वेट और मतलब बहुत ज़्यादा आप लोग टायर्ड फील करोगे। तो उससे अच्छा मतलब आप लोग अगर आप आउटडोर कर रहे हो तो थोड़ा सा जल्दी जा सकते हो 10 बजे के आसपास। इसमें भी बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, वो यूज़ करते हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब जो लाइट वाले फिल्टर्स होते हैं ना वो हो गया, या फिर जो ब्यूटी मोड्स होते हैं, तो ब्रो इसके ऊपर मतलब कभी भी ब्यूटी मोड को मतलब ऑन करके कभी भी फोटो क्लिक मत किया करो। आप लोग ब्रो सनलाइट के पास या फिर विंडो के पास जो सनलाइट आते हैं ना, उसके अंदर गाइस आप लोग मतलब अच्छे अच्छे फोटोज़ क्लिक कर सकते। नंबर फोर का जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है हमारा एक्सप्रेशन। अब देखो ब्रो, एक्सप्रेशन ना बहुत ही ज्यादा मैटर करता है, वरना ऐसा हो जाएगा मतलब आप लोग बहुत ही ज्यादा मतलब फुल डैशिंग हो, मतलब बहुत ज्यादा अच्छे क्लोथ्स पहने, बट अगर कैमरा के सामने बस यार कद्दू जैसी शक्ल लेके अगर आप लोग खड़े हो गए ना, तो ब्रो सही में आप लोगों के फोटो बहुत ही ज़्यादा बुरे आने वाले हैं। तो देखो ब्रो, एक्सप्रेशन ना आप लोग मतलब घर पे प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आप लोग को ऐसा लगता है कि भैया मतलब हम लोग को समझ नहीं आता कि हम लोग को मतलब कौन सा एक्सप्रेशन सूट हो, या फिर स्माइल दे क्या करे, तो देखो ब्रो सबसे पहले तो ना मतलब आप लोग घर पे मिरर के सामने हो गए, या फिर सेल्फी कैमरा ऑन करके आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। मतलब आप लोग स्माइल वाला पोज दे सकते हो, या फिर मतलब आप लोग थोड़ा सा जो इंटेंस लुक होता है वैसे मतलब पोज दे सकते हो, या फिर एटीट्यूड वाला पोज दे सकते हो, और आप लोग को देखने के आप लोगों को कौन सा मतलब पोज सूट हो रहा है,
कौन सा मतलब आप लोगों को लुक सूट हो रहा है। अगर जब मेरी बात करूँ ना, तो आप लोगों ने मेरे इंस्टाग्राम पे देखा होगा, मतलब मोस्ट ऑफ स्माइल वाले बहुत कम होते हैं, बट यार मुझे खास करके एटीट्यूड वाले लुक बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। बट यार तुम्हारे भाई के अंदर बिल्कुल भी एटीट्यूड नहीं है, वो अलग बात है। और फाइव का सबसे इंपॉर्टेंट टिप है ना, वो है अपने हैंड्स को मूव रखना है। अब देखो बहुत बार क्या होता है ना, मतलब हम लोग कैमरा के सामने मतलब फोटोशूट करने जैसे आते हैं ना, तो बहुत ही ज़्यादा मतलब स्टिफ खड़े हो जाते हैं और मतलब हमें सोचता नहीं कि अभी करना क्या है। चलो हम लोग स्माइल तो एक बार कर देंगे, बट यार बहुत ज़्यादा हैंड ऐसे बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे स्टिफ खड़े रहते हैं या फिर मतलब ऐसे खड़े रहेंगे। अगर आप लोग ऐसे खड़े रहोगे ना, तो आप लोग बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं दिखने वाले। तो आप लोगों को हमेशा अलग अलग अपने हैंड्स को मूव करना है, पोजेस देना है जितना हो सके उतना। आप लोग ब्रो मेरे फोटोज देख सकते हो इंस्टाग्राम पे जाके, या फिर आप लोग मतलब किसी से भी इंस्पायर हो सकते हो, तो उसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें मैं एक छोटा सा और एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ, वो है थोड़ा सा एडिटिंग सीख लो। और मैंने इंस्टाग्राम पे मेरे मतलब पोल में पूछा था कि आप लोगों को मतलब एडिटिंग सीखना है कि नहीं, तो उसमें बहुत सारे लोगों ने यस करके आंसर दिया था। तो इसके ऊपर मैं जल्दी वीडियो बनाऊंगा और एक सिंपल सी छोटा सा एडिटिंग ट्यूटोरियल आप लोगों के लिए बनाऊंगा, ताकि आप में से मतलब मैं तो बस यही चाहता हूँ कि आप में से सारे लोगों की जो फोटोज़ है वो बहुत ही ज़्यादा तगड़ा है, बल्कि मेरे से भी तगड़ा है। तो ब्रो तुम लोग को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा तो यार भाई के वीडियो को लाइक कर देना, अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर देना, और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो बस जाओ चेक करो, आप लोग मुझे खुद से ही फॉलो कर दोगे वहाँ पे। तो ब्रो मिलते नहीं वीडियो में, तब तक के लिए बाय।